नमस्कार दोस्तों, पबजी यूजर्स के लिए एक बुरी खबर है। भारत सरकार ने चीन के आज 118 ऐप्स बैन कर दिए हैं, जिनमें पबजी भी शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इन ऐप्स को इसलिए बैन करा क्योंकि वे भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की रक्षा और लोक व्यवस्था के विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त थे। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस कदम से भारत के करोड़ों मोबाइल और इंटरनेट यूजर्स के हितों की रक्षा होगी, मतलब आपका डेटा सुरक्षित रहेगा। ये फैसला भारत के साइबर स्पेस की सुरक्षा और संप्रभुता को सुनिश्चित करने के इरादे से लिया गया है। बयान के अनुसार भारत सरकार को इन ऐप्स के बारे में विभिन्न स्रोतों से बहुत टाइम से ये जानकारी मिल रही थी, कि जिनमें ऐसी रिपोर्ट भी थी कि एंड्रॉयड और iOS पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप से यूजर का डेटा अनाधिकृत तौर पर, मतलब अनऑफिशियल ढंग से चोरी कर भारत के बाहर किसी सर्वर पर भेजा जा रहा था। भारत सरकार ने इससे पहले जून में भी चीन से जुड़े 59 ऐप्स को बैन किया था।